देखो, मशीन मशीन होते हुए भी मुझे हाथ से कपड़े धोने पड़ रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि क्योंकि मशीन में बहुत पानी लगता है। अब कुछ दिनों से बहुत पानी कम आ रहा है, तो ऊपर जो टंकी है वो नहीं भर पा रहा है पूरी तरह से। तो 2 दिन से कपड़े नहीं धुले, तो मैंने सोचा चलो हाथ से ही धो लेती हूँ। तो मैं हाथ से ही धो रही थी, क्योंकि हाथ से धोने में पानी कम लगता है, मशीन में तो बहुत पानी लगता है, तो इसीलिए हाथ से कपड़े धो रही हूँ। साबुन पानी में मैंने अपना ये डुबो दिया है। पायदान, यही फायदा है हाथ में कपड़े धोने का। साबुन पानी बच जाए, उसमें आप किचन का डस्टर जब मशीन नहीं हुआ करती थी तब ऐसे ही धोती थी मैं। अभी 2 साल से मैंने कपड़ा धोना छोड़ दिया, मशीन ही धोता। काफ़ी दिनों बाद, महीनों बाद मैं धो रही हूँ हाथ से कपड़े, तो थोड़ा थक जा रही हूँ, छूट गया है। घरेलू औरतों का कैसा क्या चीज बचे, तो सभी पानी बचाओ चल रहा है। अब इसी पानी से मैंने अभी से कपड़े धोएंगे, क्योंकि पानी बच जाएगा। इसी पानी से मैं फिर पोछा भी लगा लूँगी, इसमें फिनाइल या लाइज़ोल डालते हैं, पानी की बचत। हाथ पूरा गीला हो गया, फोन का बटन बंद भी नहीं हो रहा। देखिए, मैंने पानी कर रखा है, इसको मैं टॉयलेट में डाल दूंगी, या बाहर बालकनी जो बाहर है वो धो लूंगी, या डस्टर पोछा वगैरह धो लूंगी। पानी बच गया ना, इतना पानी बचा दिया। अरे यार, इसके अंदर भी थोड़े से कपड़े हैं मेरे। धुल गए, अब मैं उनको जा रही हूँ बाहर डालने। फिर उसके बाद पोछा लगाऊंगी। टेबल साफ कर दिया, किचन पोछा लगा दिया, अब ड्राइंग रूम करूँगी, पोछूंगी। कोई और नहीं, कोई कोई गाय को रोटी। इसमें लहसुन ढाला था, ऊपर से ढाला ना? मैंने अभी देखा, इधर साइड में लगा हुआ था। पीसा नहीं होगा, इसके अंदर ही डाला था। मिर्ची, दो मिर्ची डाला छोटे छोटे। चुनो माचे झाल।